केंद्र सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, सस्ता कर्ज मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। किसानों का 5% ब्याज होगा वापस। मंदसौर के बड़वन गांव पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीड़ित किसानों के परिवार से मुलाकात की। परिजनों ने सीएम के सामने रखी इंसाफ की मांग। राष्ट्रपति चुनाव नामांकन प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। 17 जुलाई को होगी वोटिंग, 20 जुलाई को मतगणना। आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए विपक्षी दल करेंगे बैठक, कई दल बैठक में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का एक नया टेप आया सामने, वीडियो में दिखाई दे रहे लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी, तलाश में जुटी सुरक्षा बल। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर दागे मोर्टार, कश्मीर में 4 घंटे में 6 आतंकी हमले, सेना के 13 जवान जख्मी। आप में फिर मचा घमासान, दिलीप पांडे ने कुमार विश्वास को साधा निशाना, कपिल मिश्रा बोले केजरीवाल करा रहे हैं सब कुछ। तेलंगाना में 8 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में 30 लोगों के फंसे होने की आशंका, दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा। लंदन की 24 मंजिला इमारत ग्रीनफील्ड टावर में लगी भीषण आग, 120 फ्लैट जलकर खाक, कई लोगों की मौत की आशंका। बांग्लादेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, ढाका और चटगांव में बाढ़ के हालात, कई सैन्य अधिकारियों समेत 147 लोगों की मौत। आरबीआई ने 500 बड़े बकायेदारों की सूची बनाई, 12 लोगों पर 25% बकाया, डिफॉल्टर्स पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश। दिल्ली के मेहरोली इलाके में 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले संजय नाम के शख्स ने रेप की घटना को अंजाम दिया, मौके से फरार। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने पुलिस को शिकायत दी, पुलिस ने बुजुर्ग महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला अपने बेटे के साथ मेहरोली इलाके में रहती है। नू के मेडिकल कॉलेज जाने वाले सड़क मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। मेडिकल कॉलेज नल्हड़ का दौरा करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव धनपत सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की 32 वॉट की एलईडी लाइट कई साल से बंद पड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश में शुरू हुए किसान आंदोलन ने पूरे देश के किसानों को एकजुट करके केंद्र और राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। रोजाना अलग अलग किसान संगठन अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों जोर शोर से उठा रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा ने जींद में प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने वादों से मुकर रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का पैसा लूट रहा है। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना के सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक फोटो ने दिनभर सनसनी मचा रखी है। फोटो में सपना अपने बेडरूम में बैठी है, वहीं उसी कमरे में कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे। दूसरी फोटो में सपना पुलिसकर्मियों के साथ जाती नजर आ रही है। फोटो को सोशल मीडिया पर इस प्रकार से पेश किया गया है कि पुलिस ने सपना को किसी मामले में गिरफ्तार किया है। फेसबुक पर लाइव होकर सपना ने अपने चाहने वालों को इन फोटोज की सच्चाई बताई जो हैरान करने वाली है। सपना ने बताया कि फोटो फतेहाबाद में हुए कार्यक्रम के दौरान किसी ने लिए और बेडरूम में जो पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। भिवानी में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 20 दिन का वर्ग प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। ये शिविर 2 जून से शुरू हुआ था और 22 जून तक चलेगा। शिविर में तकरीबन 450 युवा मौजूद रहेंगे जो देश और समाज निर्माण में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। इनमें सबसे अहम बात इस शिविर में देखने को मिल रही है, इसमें न तो पानी बिखेरा जा रहा है न ही भोजन खराब किया जा रहा है। एक एक कार्यकर्ता को सिखाया जा रहा है कि वो पानी को किस तरह से बचाएं, भोजन उतना ही थाली में लें जितना आप खा सकते हैं। समाज को जोड़ने के लिए रोटी भी बाहर की बस्ती और गांव में सिलाई जाएगी जो प्रशिक्षण ले रहे युवाओं तक पहुंचाई जाएगी। उमस भरी गर्मी और ऊपर से रमजान के महीने में जिले के दर्जनों से ज्यादा गाँव के लोगों को पर्याप्त पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। मेवात जिले के कई गाँव ऐसे हैं जिनमें रेनिवल परियोजना का पानी नसीब नहीं हुआ। मजबूर होकर रोजेदार महिलाओं को सिर पर मटका रखकर 1-2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। अधिकतर गांव के कुएं सूख चुके हैं जिसकी वजह से गांव के लोगों को वाटर सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता है। इलाके के लोगों के मुताबिक बीजेपी सरकार ने रमजान के महीने में 24 घंटे बिजली और पानी देने का वायदा किया। जब से रमजान शुरू हुए तब से न तो लोगों को 24 घंटे बिजली मिल पा रही है न ही पीने का पानी।